हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज यहाँ मैं बना रही हूँ पोहे का एकदम चटपटा नया नाश्ता, तो आप लोग देखिएगा कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पहले मैंने 3-4 आलू ले लिए हैं, छोटे छोटे ही लिए, ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं, तो उनको अच्छा छील लिया है। अभी मैंने काटे नहीं है, तो पहले मिर्च वगैरह निकाल लिए नीचे से, 2 हरी मिर्च ले लिए मैंने, 1 बड़े साइज का प्याज ले लिया, तो इसको छील लेती हूँ। और प्याज को है ना लंबे लंबे पीस में कट करूँगी, तो पहले मैं आलू को कट कर लेती हूँ। आलू बिल्कुल पतले पतले काटने हैं, तो आप पतले पतले काट रही हूँ। तो यहाँ मैंने पहले कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए गैस पर, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया और नीचे से निकाल लेती हूँ थोड़ी सी मूंगफली। मूंगफली का क्या करूँगी आप लोग देखिएगा। तो पहले मैं थोड़ी सी मूंगफली निकाल ली है, बाकी मैं उठा कर रख देती हूँ। तो यहाँ आलू काट लेती हूँ, जो रह गए थे ना थोड़े से आलू, तो उनको मैं काट लेती हूँ। आलू मैंने काट लिए हैं, तो उनको मैंने धोकर एक साइड में रख दिया। तो यहाँ 1 बड़े साइज का टमाटर ले लिया, टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, प्याज को थोड़ा लंबा ही काटना है। तो यहाँ मैंने छत पे से मंगाया कड़ी पत्ते, सुन आज ले आई थी, आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो घर पर ही, आज छुट्टी है स्कूल की, तो कड़ी पत्ते ले आई थी। तो उसमें मैंने धोकर तल लिए हैं थोड़े से, कड़ी पत्ते कड़क हो जाते हैं ना तेल में, अच्छे से तल लिए हैं। थोड़ी सी मैंने मूंगफली वगैरह भी डालकर तल ली हैं उनको, जो मूंगफली थी वो भी देखो अच्छे से तल ली है। तो उसी तेल में मैंने जीरा डाल दिया है, और एक गैस पर ना दूध भी गर्म हो रहा है मेरा। तो मैंने मूंगफली वगैरह सब तल ली है, तो उसमें डाल रही हूँ प्याज डाल रही हूँ। पहले प्याज को अच्छे से भूज लेना है, प्याज को अच्छे से चलाते रहना है, उसको भूज लेना है अच्छे से। और आप लोग देखिएगा ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट लगती है। तो प्याज अच्छे से भुन गई है, तो मैंने टमाटर इसमें डाल दिया, टमाटर हरी मिर्च साथ में ही डाल दिया, हरी मिर्च बाद में नहीं डालती, छौंक में डाल देती हूँ ना तो अच्छी लगती है छौंक में डालकर। तो इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी, नमक मिर्च, ये सारे मसाले मैं डाल देती हूँ, धनिया गरम मसाला सब चीज़ मैंने डाल दी है। तो उसको अच्छे से चलाते हुए इसमें डाल देती हूँ आलू, तो आलू डाल कर अच्छे से मैंने छौंक दी है, थोड़ी देर इसको चलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि आलू गल जाए, तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने नमक डाल दिया इसमें अब, तो इसको मैं ढककर रख देती हूँ बनने के लिए। ये मूंगफली और कड़ी पत्ता जो लेकर आए थे ना छत पर से, तो उनको अभी नहीं डाल रही हूँ, बाद में डालूंगी। तो यहाँ मैंने थोड़े से भी पोहे निकाल लिए हैं, तो पोहे मैंने जाली वाली परात में निकाले हैं, ताकि उसमें थोड़ा भी कुछ कूड़ा वगैरह था ना वो नीचे निकल जाए, पानी भी अच्छे से नीचे निकल जाता है। तो परात में मैंने अच्छे से पोहे धो लिए, ज़्यादा कुछ नहीं होता पोहे में, खाली भिगोने होते हैं, तो वो थोड़े से भिगो लिए हैं मैंने, इधर रख दिया ताकि ये निचोड़ जाए अच्छे से, सूख जाएंगे ना थोड़े से पोहे, तो जब तक आलू गलेंगे तो ये हमारे पोहे भी अच्छे से मुलायम पड़ जाएंगे। तो यहाँ थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, सुबह के ही बर्तन थे, चाय वगैरह के, चाय के बच्चों ने दूध वगैरह पिया था ना, तो उसके बर्तन थे, तो वो बर्तन भी पहले साफ कर लेती हूँ, तब तक आलू भी अच्छे से पक जाएंगे, तो उसके बाद ही हम पोहे डालेंगे। और प्रिंस ना भी सो रहा है अंदर, तो आज उसी का शांति है कि हाँ आ नहीं रहा किचन में पीछे, तो आराम से सोने में लग रहा है अभी, तो ये देवी जग गया है आज। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं, तो अब सब्जी भी बन गई होगी, तो उसको देख लेते हैं पहले आलू पके हैं या नहीं। तो यहाँ देखो प्लेट उठाकर मैं देखती हूँ आलू कैसे हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, आलू अच्छे से मेरे गल चुके हैं, तो इसमें मैं जो पोहे भिगोए थे ना, तो वो भी अच्छे से डाल रही हूँ, और पोहे को डालकर अच्छे से चलाते रहना है, इसको मिक्स कर लेना है इसमें अच्छे से, और थोड़े ना आलू थोड़े रसीले रसीले से ही छोड़े थे, ताकि अच्छे से पोहे में मिक्स हो जाए, वरना बिल्कुल सूख जाते हैं ना तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो इसको अच्छे से चलाते रहना, और इसमें मैं पकने के बाद ही डाल दूँगी इसमें कड़ी पत्ता और मूंगफली भी इसमें डालूंगी थोड़ी देर बाद, पहले सब चला लेती हूँ अच्छे से। तो मुझे पोहे को चलाते हुए 5 मिनट हो चुकी है, तो मैं यहाँ मूंगफली और कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ। ये कड़ी पत्ता और मूंगफली ऊपर से डालते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मूंगफली अच्छे से कचकची से लगती है, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और लाइक नहीं करते आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने का कुछ भी नहीं जाता, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करा करिए। और ये देखिए हमारा पोहा तैयार है। क्या पुरानी है चम्मच? ओ हमारी पुरानी चम्मच है, तेरी नई चम्मच है।
जल्दी खाता, उसकी नई चम्मच है ना, तो कह रहा है तुम दोनों की पुरानी है। कैसा लग रहा है बता, खा के जल्दी से। बढ़िया लग रहा है, मूंगफली अच्छी लग रही है, हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं खाओगे, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मेरा बाबू भी खाएगा। मैंने यहाँ कपड़े धो दिए, चौक नहीं धुला, चौक कितना गंदा पड़ा, कपड़े धो दिए, छत पर टांग आई हूँ कपड़ों को, और थोड़े से कपड़े अभी यहाँ रखे हैं तो इन्हें भी टांग कर आऊँगी। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, हाँ तुम खाओगे। ओहो ओहो, कहाँ चले कहाँ चले, बिखर जाएगा बाबू, बिखर जाएगा। अले मेरे पास आके बैठ गया दादा। आलू खा रहे हो, आलू खा रहे हो। कल इसके पापा ने इसको रात सब्जी खिला दी, इतना ज्यादा रोया, कुछ भी तीखा चीज खाता नहीं है, बस बिस्कुट वगैरह ऐसी चीजें खा लेगा। देखो इसने एक गस्सा खा लिया, अब नहीं खाएगा, कहाँ इसमें मिर्चें थोड़ी सी। बेटा इधर बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम, बिखेरने के लिए जाओगे मगर खाने के लिए नहीं आओगे, है दे आलू, आलू आलू बिस्कुट खा ले बाबू, बिखेरने के लिए तो आओगे। हाँ बिखर गया बिखर गया, सारे बिखेर दिए बेटा तुमने पोहा हमारे। ओ अब तुम्हारी मार पड़ेगी, अब यहाँ बैठो शांति से, सब बिखेर दिए तुमने, हैं? अब इनको डाल कर आते हैं बाहर, रुको सब बिखेर के क्या करोगे इसका, भैया ने सब बिखेर दिए दे। जल्दी खा रही से, दे बाहर क्या कर रहा है, बिखेर मत दियो, सही से खा ले इसको। ओ दे वो आ रहा पीछे से खाने के लिए, इसने सुबह दूध नहीं पिया था, आप पी रही है पोहे के साथ दूध, सुबह आज छुट्टी है ना स्कूल की तो लेट उठे हैं बच्चे, तो ये देख तो आज छुट्टी के दिन सुबह सुबह उठ गया, स्कूल जाता है जब उठता है 12 बजे, अरे स्कूल जाता है तो उठाना पड़ता है। अब क्या निकाल रहे थैले में से, मार पड़ेगी दे मूंगफली, पहले मैं चौक धोया हूँ। तो गाइस मैं यहाँ प्रिंस को नहा कर ले आई हूँ, और मैंने चौक वगैरह सब धो दिया, तो मैं जाऊंगी अब खाना बनाने के लिए। हाँ बेटा तुम्हारा तेल लग गया, बाल काट दे, हीरो बनाएंगे, हीरो और हीरो बन जाएगा बाबू, तो पापा के पास चलेंगे बेटा। ओहो ओहो हो, हाँ बाल नहीं कटवाने, तू कैसे करेगा बाल कटवाने के लिए, क्या देखूं? पहले इधर आ, इधर दिखा, इधर इधर आके देखो, इधर देखेगा फिर देख। ओहो कट गए बाल बाबू के, अब बेटा तुम्हारी गंजी कहलाएंगे, हैं बेटा गंजी होगी, गंजी गंजी हाँ हाँ देखा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नीचे कलम नीचे मुँह कलम, ओ बाबू तो हीलो बन गया मेरा, हीलो ओ हीलो बाबू बन गया बेटा, अब तुम तो हीलो बन गए, कहाँ जा रहे हो, गुड मॉर्निंग तो करो, बोलो बेटा, है बेटा कपटी बाबा, हाँ जे, अरे तू तो जे कर रहा, भैया गणपति बाबा कर रहा था, कहाँ जा रहा, इधर ले कंगा लेने जा रहा, पूछियो नहीं गाइज कैसे आप सब, मैं अच्छा लग रहा हूँ आपको, तो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके, कंगा उसको दे दे मूर्छा वर्षी वाले, गणपति बाबा गणपति बाबा करने में लग रहा है, ऐसे पूजा करते हैं तभी से करते हैं पूजा, गणपति बाबा मूर्छा क्या हो रहा है बेटा की ऐसे, हाँ क्या हो रहा है, दुकान पे आ गया तुम्हारा ऐसा मस्ती शुरू होगी, देखो उसको कैसे गिलास इसने मुंह में फसा लिया है और खेलने में लग रहा है, हाँ तूने क्या किया, तेरी शिकायत ना करूंगी, देखो उसने क्या किया है, सारी हल्दी बिखेर दी और अपनी सारी पैंट सान ली है,
ये पैर सब सान दिया हल्दी में येलो येलो और अपनी पैंट भी सान ली। मम्मी मम्मी इसके सेब की येलो येलो पैंट हो गई। इसने सानी सारी पैंट। इसको देखो कितनी मस्ती आ रही है। इसको मुंह में कागज का गिलास है ना, उसको पकड़ के घूम रहा है, उसी खेलने में लग रहा है। देखो निकालेगा नहीं। उठने की कोशिश और करता, देखो पैर पूरे उठा लिए, हाथ उठा लिए, अब खड़ा होने की कोशिश करता। उठो उठो जल्दी उठो उठो। बिस्कुट ले लिए। कहाँ जा रहे हो? ओ सामान मत बिखेरो। ऐ इसको निकाल दे मुंह से। दे फ्रेंड्स निकाल दे बेटा, गंदा छिची। ऐ छिरी छिरी दे, मुंह में फंसा लेता, चलेगा। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।